बंगाल विधानसभा चुनाव में शिवसेना भले ही चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन पार्टी की एंट्री हो गई है। शिवसेना बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सपोर्ट में खड़ी है और बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए उसने चुनाव आयोग को टारगेट किया है। दरअसल शिवसेना ने चुनाव आयोग के उस फैसले पर सवाल खड़ा किया है, जिसमें ममता बनर्जी के 24 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगाया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर ईसी ने ये फैसला लिया है। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ईसीआई ने ममता दीदी पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये स्पष्ट रूप से भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर किया गया है। इसके साथ ही एक और ट्वीट में राउत ने लिखा है कि ये देश की स्वतंत्र यानी स्वायत्त संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इतना ही नहीं, शिवसेना सांसद ने ममता बनर्जी के साथ हमदर्दी जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी बताया है। आपको बता दें कि शिवसेना ने पहले बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बाद में पलटी मार दी। शिवसेना बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। गौरतलब है कि आयोग ने ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इसके बाद से ही सारा विपक्ष एक हो गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बाद बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर 48 घंटों के लिए बैन लगा दिया है। आयोग के निर्देशानुसार राहुल सिन्हा 13 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से 15 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष इस पर कुछ नहीं बोलेगा। दरअसल बंगाल में इन दिनों बीजेपी और विपक्ष के बीच लड़ाई चल रही है। भले ही कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए सभी का समर्थन ममता दीदी को मिला हुआ है। हालांकि इसके बाद भी बंगाल में बीजेपी को ममता दीदी रोक पाती हैं या नहीं, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।